ये तो आप जानती हैं कि फोर्ड भारत से जा चुकी है क्योंकि उसको भारत में नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब बिजनेस है तो उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन फोर्ड ने भारत को अलविदा कहने में ही भलाई समझी और इससे 2000 लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी बीच टाटा की एंट्री होती है और टाटा ने जो किया उसके बाद तो फोर्ड को ऐसा झटका लगा है कि वो शायद उसे भूल ही ना सके। दरअसल फोर्ड के अहमदाबाद के सारण प्लांट से जाते ही टाटा, जो कि देश की प्रमुख और दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी है, उसने उस प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन टाटा मोटर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अधिग्रहण की घोषणा नहीं की है, लेकिन अब टाटा का इरादा अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने और साल 2026 तक 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने का है। और तो और इस सौदे की एक अहम खासियत यह है कि टाटा मोटर्स फोर्ड के किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं करेगा और यहाँ पर टाटा लगभग 23,000 लोगों को सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा। इससे आप समझ गए होंगे कि टाटा देश और देश के लोगों के लिए ही है। हम यहाँ ये भी बता दें कि ये प्रस्तावित अधिग्रहण भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में एक मील का पत्थर बन जाएगा और राज्य में नई टेक्नोलॉजी के स्थानीय क्षमताओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय और वैश्विक खिलाड़ियों के हितों को बढ़ावा देगा। यानी कि यहाँ टाटा ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में नंबर 1 खिलाड़ी बनाने का, जिसके लिए वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और उन कदमों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है।